चलो। मम्मा, बुआ का प्रीता को घर निकाला, करण बना सहारा। मचा हंगामा, जी टीवी के सीरियल कुंडली भाग्य में हो रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां आज बुआ प्रीता को घर से धक्के मारकर बाहर निकाल रही है। लेकिन तभी वहां एन मौके पर पहुंच जाते हैं करण, जो अपनी बुआ को ऐसा करने से रोकते हैं। लेकिन तभी बुआ प्रीता पर इल्जाम लगाती है कि वो करण की बहन की शादी तोड़ना चाहती है, और उसने अक्षय पर लगाए हैं कई इल्जाम। ये कोई बिचारी टाइप्स की नहीं है, तुम जानते नहीं हो इसने क्या किया है। एनीवेज अंदर आ जाओ, मुझे दरवाजा बंद करना है। बुआ प्लीज। करण, आज हम कुलदेवी के मंदिर गए थे, तब इसने कहा कि इसके पास प्रूफ है कि अक्षय एक लड़की के साथ एक होटल के कमरे में है। हमने इसकी बात मानी और हम होटल रूम में चले गए। अक्षय था वहां पे, फिर इसने कहा कि वॉशरूम का दरवाजा लॉक्ड है, शायद कोई लड़की है वॉशरूम में। इसने हाउसकीपिंग वालों को बुलाया, वॉशरूम का दरवाजा खुलवाया, पर वहां कोई लड़की नहीं थी। और तब अक्षय के पेरेंट्स वहां गए। कृतिका से हम तुम्हारा रिश्ता तोड़ते हैं। राखी जी, आप और आपकी बहू ये रिश्ता तोड़ना चाहती है ना? रिश्ता आप क्या तोड़ेंगी, ये रिश्ता हम तोड़ना चाहते हैं। हमें नहीं करनी इस घर में शादी, जहाँ मेरे बेटे के साथ हर कदम पे शक किया जाए। सुना तुमने क्या किया इसने? बुआ और बाकी घर वाले करण को भड़काने की बहुत कोशिश करते हैं और उसे ये कहते हैं कि प्रीता को घर से निकल जाना चाहिए। लेकिन करण फैसला लेते हैं कि प्रीता उनकी पत्नी है और किसी को भी उसे घर से निकालने का कोई हक नहीं, और प्रीता का हाथ पकड़कर करण उसे घर के अंदर ले जाते हैं, जिस वजह से बुआ और सभी घर वाले शॉक हो जाते हैं। भाई, करण ने तो प्रीता का पूरा पूरा साथ दे दिया है, लेकिन शादी में होने वाले हैं कई सारे ड्रामे जो देखना दिलचस्प होगा। से पहले मैं अपना इरादा बदल दूं, चलो मेरे साथ। एंड यस शॉलिन, यू आर राइट, शादी वाले दिन घर में ड्रामा ना हो, ये बात तुम बुआ को भी बोल सकती हो। करण, मैंने तुम्हें बताया इसने क्या किया, फिर भी मैं इसे घर में अंदर लेकर आऊंगा। बुआ, जिस तरह से इसे किसी की शादी तोड़ने का हक नहीं है, इसको घर से बाहर निकालने का भी हक किसी को नहीं है, किसी को भी नहीं। और भूलिए मत बुआ, ये कौन है? मिसेस प्रीता करण लूथरा, मेरी धर्म पत्नी, माय बेटर हाफ, मेरी इज्जत। आप ही ने कहा था ना बुआ कि शादी के बाद मियां बीवी की इज्जत एक होती है, इसकी बेइज्जती मेरी बेइज्जती, राइट? ये इस घर से नहीं जाएगी, इसे मैं लेकर जाऊंगा अंदर इस घर में। और हाँ, जैसा कि मैंने कहा, ये मिसेस प्रीता करण लूथरा है, शी डजंट डिजर्व दैट। पता चली अक्षय की सच्चाई, दरअसल कृतिका और अक्षय की शादी होने वाली है, लेकिन प्रीता को अक्षय पर डाउट होता है कि वो सही इंसान नहीं है, और इसी वजह से प्रीता जुट जाती है अक्षय के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए। और आखिरकार प्रीता को ये पता चलता है कि अक्षय पहले से शादीशुदा है और वो उसकी वाइफ रुचिका से मिलती है, जिसके बाद उसे ये भी पता चलता है कि उसका एक बच्चा भी है। रुचिका दुबई से इंडिया आ गई है। भाई, ये राज तो प्रीता को पता चल जाता है, और प्रीता रुचिका को कन्विंस भी कर लेती है कि वो सबके सामने आकर अक्षय की सच्चाई बताए, और रुचिका इसके लिए कन्विंस भी हो जाती है। अक्षय दुबई से वापस आया है और उसी के साथ उसका एक एक राज भी है। सो वो राज मैं हूँ,
एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जो ट्विस्ट एंड टर्न्स है इस सीरियल में जो रुचिका लेके आई है. तो आज जो मैंने सीन किया है प्रीथा एंड सृष्टि के साथ, इट्स अ वेरी क्रूशल पार्ट जहाँ वो घर आती है और मुझे समझाती है कि वो एक धोखेबाज है एंड आई शुडंट बी विथ हिम बिकॉज वो किसी और के साथ भी है, यू नो ही इज़ विद 2-3 गर्ल्स. सो ये एक्ट वाइज भी मुझे बहुत ही, मुझे लग रहा है कि ये मेरे दिल के करीब वाला सीन होने वाला है क्योंकि इसमें काफ़ी इमोशंस जुड़े हैं. तो जैसा हम सीन में देख रहे हैं, yeah. कैसे प्रीता ने आपको कन्विंस किया है, क्योंकि प्रीता को भी कहना का सबूत चाहिए ना, रुचिका का सबूत. यस यस यस. क्या रुचिका जाके रोक दो शादी टाइप ड्रामा करने वाली है? वो तो आप देखना ज़रूर. बट इंटरेस्टिंग बात ये है कि वो दोनों भी मेरे घर पहुंच गई है एंड उनके पास वो सारी प्रूफ्स हैं जिससे वो मुझे कन्विंस कर पा रही है कि अक्षय इज़ नॉट अ नाइस गाय, बहुत ही बिल्कुल भी शरीफ लड़का नहीं है. और अब रुचिका मानती है नहीं मानती है, शादी जाके तोड़ रही है या शादी होने दे रही है, बिकॉज इसमें रुचिका का भी फ़ायदा है, ऑफकोर्स एक बच्चा है हमारा. तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आ रही है आगे एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी हाउ द ट्रैक गोज. एक राज से एक पर्दा उठने वाला है और वो राज हूँ मैं. सो देखते रहिए क्या होता है, क्या ये राज खुलेगा नहीं खुलेगा, क्या रुचिका शादी में पहुँच के ये शादी रोकेगी नहीं रोकेगी. भाई अब देखना होगा कि शादी में आकर क्या रुचिका सबके सामने सच बयां करती है या शादी में होता है नया तमाशा. श्रुति बरजातिया, मुंबई आज तक.